हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं पेपर फ्राई चिकन। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन, 3 बड़े प्याज, हरा धनिया, 1 कप तेल, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 स्पून काली मिर्च, 1.5 स्पून नमक, 7 से 8 हरी मिर्च। सबसे पहले तो हम प्याज और हरा धनिया का पेस्ट बना लेते हैं। इसको ग्राइंड करना है। हमने यहाँ पे हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया और काली मिर्च को एक जार में ले लिया है। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अभी मैंने पॉट गरम कर लिया है। इसके अंदर मैं डालती हूँ तेल, इसको थोड़ा गरम होने दें। इसके बाद हम डालते हैं जो पेस्ट हमने बनाया। इसको थोड़ा हिला लें। इसको थोड़ा अच्छे से पकने दें, तब तक के जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता और मसाला पक नहीं जाता। इसके साथ ही हम डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी इसको थोड़ी देर पकने दें, जब तक तेल इसको थोड़ी देर छोड़ छोड़ के हिलाते रहिए। ये देखिए, अब मसाला अच्छे से भून गया है, थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर आने लगा है। अब हम इसमें चिकन डालते हैं। इसको अच्छे से हिला लें इस तरह। इसमें डालेंगे नमक। फिर से एक बार हिला लें इसको। अब इसमें डालते हैं आधा ग्लास पानी। अभी इसको पकने देना है। इसको 15 से 20 मिनट तक पकने दें। इसको बीच बीच में हिलाते रहिए। अब ये चिकन लगभग पक चुका है। लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। इसको जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।